नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार आपका QS टेक्निकल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी एट QS। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज का RRB JEE का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी हो चुका है, तो सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चंस मुझे प्राप्त हुए हैं, जितने मुझे मिल सके हैं, वो आपके साथ फिर से लेकर आया हूँ। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने दिए थे और जैसा कि हम देखा था, कल के और आज के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कई क्वेश्चन थे जो कल आए थे, आज भी आए हैं, रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो आज फर्स्ट शिफ्ट के मैंने सुबह दिए थे, अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है गाइज। तो पहले मैं हर बार कह रहा हूँ गाइज, अगर CVT 2 की तैयारी आप कर रहे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों, जितने क्वेश्चन मुझे पॉसिबल मिल चुके हैं सेकंड शिफ्ट के, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब से किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब से किया जा रहा है, 2004 से किया जा रहा है, ठीक है। अब आधुनिक आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं, 18 तत्व होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, आवर्त सारणी से भी क्वेश्चन एक आ ही रहा है हर बार, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आवर्त सारणी से आ रहा है, ठीक है। अगला गाइस, एक बुक का नाम दिया हुआ, इंडिया विंस फ्रीडम, किसकी आत्मकथा है। तो किसकी आत्मकथा है, अब्दुल कलाम आजाद की। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, अब्दुल कलाम आजाद की, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, युवा श्री अर्पण योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई। तो युवा श्री अर्पण योजना किस में प्रारंभ की गई है, बंगाल में प्रारंभ की गई है, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, देखिए आप देखिए दिवस से भी क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया। दिवस के ऊपर मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं चैनल पर जाके, ठीक है। तो दिवस का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दिवस के ऊपर एक वीडियो मैंने पूरा दिया हुआ है, आप वो जाके देख सकते हैं। अब आना स्टार्ट हो गया, अब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन दिवस से मिलेगा, ठीक है। अगला, केरल के राज्यपाल पूछे गए, तो केरल के राज्यपाल कौन है, पलानी समय सात शिवम केरल के राज्यपाल है, ठीक है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट पूछा गया है कि ICC ODI में, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट के वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में, रोहित शर्मा का हाईएस्ट स्कोर कितना है, 264। दो बार इन्होंने 200 के आंकड़े को छुआ है, जिसमें मैक्सिमम इनका 264, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा पूछा है, जैसलमेर कहां है, सबको पता है, राजस्थान में। आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट गाइज, पूछा गया है युगांडा की राजधानी क्या है, तो कंपाला जो है युगांडा की राजधानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, अरुण जेटली वित्त मंत्री बनने के समय किस राज्य से सांसद थे। तो जिस समय वो वित्त मंत्री बनाए गए थे, वो उत्तर प्रदेश से सांसद थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2016 साउथ ईस्ट एशियन गेम्स कहाँ हुए थे। तो 2016 के साउथ ईस्ट एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, भारत में हुए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की पहली लेडी पायलट कौन थी। तो शुभांगिनी स्वरूप भारत की पहली लेडी पायलट थी, ठीक है। और ये वैक्सीन की खोज किसने की, ये क्वेश्चन बहुत कई बार अलग अलग ALP में भी 2-3 बार आया था, ये रिपीट होता है, आप ये देख लेना। तो वैक्सीन की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने। किसने, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइज, अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र, NH4NO3, बहुत आसान सा है, सबको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कैस्कोग्राफ की खोज किसने की थी। जगदीश चंद्र बसु ने कैस्कोग्राफ की खोज की थी। किसने, जगदीश चंद्र बसु ने, सबको पता है, ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट थे। एम्पियर किसकी इकाई है, धारा की, विद्युत धारा की यूनिट एम्पियर होती है, एम्पियर में नापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है गाइस, जूल होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान से बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने ऊपर से बहुत ज्यादा डीप से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अब तक की जितनी शिफ्ट हुई है 2 दिन में, उसमें ये आइडिया लगा है, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनात्मक क्षमता किस लेंस की होती है, धनात्मक क्षमता हमको पता है उत्तर लेंस में होती है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस देवता की पूजा होती थी, सिंधु घाटी सभ्यता में किस देवता की पूजा होती है, पशुपतिनाथ की। किसकी, पशुपतिनाथ की पूजा की जाती थी, ये इस रिसर्च में पता चला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं, उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, सबको पता है क्रिप्स मिशन भारत जो है 1942 में आया था, कब आया था, 1942 में। तो गाइस जितने क्वेश्चन मुझे मिल सके थे उतने क्वेश्चन मैंने दे दिए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, ठीक है। और CVT 2 की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलता हूँ कल आपको, कल की शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।